हाय गाइस, आप सभी का YT कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लाए हैं मैथ के, वो भी कक्षा 10 के। तो आज हम आपको बताएंगे द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YT कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो देखिए, जैसे मैंने ये आपको बताया, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आपके लिए बहुत ही सरल है, ये देखना, बहुत ही सरल ट्रिक लाए हैं हम। देखो, जैसे मैंने आपको कोई भी सवाल दिया द्विघात बहुपद का, आपको पहले नंबर सूत्र याद करना होगा। तो देखो, सूत्र में आपको यहाँ पर बगल में लिखवा दूँगा। ये सवाल दिया है, जैसे 1/4, -1, ये दिया सवाल, कक्षा 10 की किताब में दिया गया है ये सवाल। तो देखना, आप लिख लेना, जो होता है -0 को का योगफल कोष्टक x 0 को का गुणनफल बराबर 0। यहाँ पर प्लस होता है, ऐसा सूत्र होता है। तो अब इस शून्य को का मतलब जानते हो, ये पहला शून्य दिया गया है, ये दूसरे शून्य, तो हम लोग इसमें मान रख देंगे सीधा। तो x² रहेगा, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिए। अब इसके बाद जिस शून्यों को का योगफल, ये कहलाता है पहला वाला शून्यों का योगफल, तो 1/4 लिख देंगे। यहाँ पर x लिखा है, तो अब x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस शून्यों को गुणनफल जी -x, यहाँ पर -1 है, तो ये -1 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, चिन्ह परिवर्तन होगा, x² -1, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 1x हो जाएगा। तो 1 लिखो या न लिखो, बात एक ही है, अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा बराबर 0। अब इसके बाद हम LCM ले लेंगे इसका, तो LCM 4 हो गया, LCM यहाँ पर हो जाएगा 4x² -x -4 बराबर 0 बटे 1 कर देना, तो इन दोनों का कैची गुणा हो जाएगा। इसके बाद गाइस, मैं ये मिटा दूँ, ये ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, बस इतना ही है, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये इस एक का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² -x -4 बराबर 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। बस अपन को द्विघात बहुपद अकेला ज्ञात करना, तो यहीं तक करेंगे। उसने शून्यक निकाला कि इसके शून्यक भी निकालो, क्योंकि उसने शून्यक पहले अपन को देने दिए थे, ये 1/4 और -1 दिए थे, तो बस ये अपना हो गया। गाइस, इसी प्रकार मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ, तो आप वो बताना कैसा है। आपको दूसरा सवाल दे, तो गाइस जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको ये दूसरा सवाल दिया, तो आप इसको कैसा करोगे, पहले आप तो सूत्र लिखोगे x² -0 को का योगफल x + 0 को का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र होता है ना, x² -0 को का योगफल, ये हो गया योगफल, ये x + 0 का गुणनफल, ये गुणनफल, बस वैसे ही मान रख देंगे। तो हम x² - अब ये 0 को योगफल, जी क्या माइनस है, माइनस यहाँ पर प्लस कर दो, हाँ तो प्लस हो गया 1/4, ये x लिख देंगे, प्लस 0 को गुणनफल 1/4,
बराबर जीरो, ये इतना होगा दोस्तों। तो देखो अब हम क्या करेंगे इसके आगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा कर देंगे तो एक्स अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर बराबर जीरो। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, फोर आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस इसका ऊपर गुणा करेंगे तो एक्स प्लस फोर, नहीं वन होगा ना, इसका गुणा इसमें करेंगे वन बराबर जीरो, मैंने बटे इन दोनों का कैची गुणा, ये कैची गुणा हो गया। अब ऊपर कर लूँ ये सवाल बताएंगे, अब इसका कैची गुणा करें ये जीरो हो जाएगा, एक का इसमें करेंगे ये सेम आ जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। ये कक्षा दस के सवाल है, मैं आपको कक्षा दस के बता रहा हूँ। चलो अब मैं तीसरा सवाल आपको बताता हूँ, देखो ये वाला तो हो गया, ये आंसर आ गया। जैसे मैंने आपको ये तीसरा सवाल दिया तो आप इसको कैसे करोगे, पहले सूत्र लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल लिखोगे, फिर एक्स शून्य को का गुणनफल बराबर जीरो, फिर इसके बाद ये हो जाएगा शून्यों का योगफल लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये देंगे तो माइनस शून्यों को का योगफल तीन है तो तीन, ये एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल फोर है बराबर जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। बस दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।